जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू जैन व्लॉग। मेरा नाम है जयंत और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके सामने, अपने रूम की थोड़ी सी सेटअप करनी थी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैंने एक राधे श्याम की मैंने पोस्टर ली थी और इसे लगाया था। हालाँकि मेरे रूम में कम्प्लीटली PVC वॉलपेपर लगी हुई है और ये भी काफ़ी अच्छी है इसकी वॉल, और देख सकते हैं शाइनिंग काफ़ी मस्त लग रहा है इस पर। और समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, सो ये समझ में आपको नहीं आ रही होगी। और काफ़ी मेहनत लगता है इसको आपको पूरा डिज़ाइनिंग मैच करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एक वॉल है जो रह गई है, और देख सकते हैं आप, ये इस साइड की वॉल थी। सो ये वॉल अभी रह गई थी और इसके लिए मैंने मंगवाया है PVC का वॉल पेपर। दिखाता हूँ आपको वॉल पेपर कैसा है और क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं। ये है PVC का वॉलपेपर और ये वॉल टॉप का है, मैंने फ्लिपकार्ट से इसे मंगवाया है। और 8 पीस है इसमें और काफ़ी मस्त है। ये इसकी कलर की टेक्सचर, ये कलर है और काफ़ी मस्त है भाई, और मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है। मैंने 3 लगा लिए और बाकी मुझे ऐसा लगा कि यार इसकी भी एक वीडियो बनानी चाहिए कि इसको लगाते कैसे हैं, क्योंकि कई लोगों को बहुत इश्यूज आती है। लाइक अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें बहुत स्टिकर्स मेरे बर्बाद हुए, बिकॉज ये इस लेवल की मैचिंग करना बहुत टिपिकल है। और ऐसा नहीं कि आपने एक वॉल को शेल्फ पूरा लगा लिया तो दूसरा वाला उसी से जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सारे ईंटे को मैच करना, ईंटे टू ईंटे, इट इज़ वेरी टफ। एंड उसको देखते हुए इस बार मैंने थोड़ा सिंपल मंगवाया, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ, ये टोटल 8 पीस है और कैसे इसे लगाना है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिएगा, शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे अंकल लगाएंगे और मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। आपको दिखाऊँगा कैसे कैसे क्या उसमें करना है। बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ आगे। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन डायरेक्टली ऑन योर मोबाइल फोन। कंटिन्यू करते हैं भाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, मेरे चाचा इसे लगाएंगे और अब मैं लेके चलता हूँ सीधे आपके बैक कैमरा से दिखाने। ये है मेरे चाचा जी। चाचा देखिए, हाय बोल दीजिए। हाय। अब ये लगा रहे हैं आपका PVC वॉलपेपर। इसे लगाना काफ़ी टिपिकल हो जाता है क्योंकि मैचिंग करना काफ़ी दिक्कत होती है मैचिंग करने में। कुछ बताइए चाचा, कैसे लगा रहे हैं इसको? पहले वॉल को क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद फिर इस पेपर को खोल के, इसके पीछे ढेंचू लगा हुआ है, इसको दीवार को फिर हम धीरे धीरे एकदम बिना एयर के लिए हुए इसको हम चिपकाते हैं, जिससे कि ये क्लीन दिखे। आपको एयर का ध्यान देना है कि इसमें बबल्स ना आ जाए बीच में। ध्यान देते हुए आपको करना होगा, और ध्यान दें अगर इसे आप बार बार उकाचेंगे तो आपकी दीवार भी इसके साथ उकस जाएगी, क्योंकि इसका एडहेसिव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ये देखिए इस चाचा की लड़की मेरी। ये है मेरे चाचा की बेटी, अभी नया नया ड्रेस पहना है इन्होंने। हाय करो। हाय कर रही है। जंप करके दिखाओ, कूद के दिखाओ। जंप 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 जंप। नोज कहाँ है? आईज कहाँ है? अपना आईज दिखाओ, आईज कहाँ है? माउथ कहाँ है? हेयर कहाँ है? हेयर? सर कहाँ है तुम्हारा? हेड? नाखून कहाँ है? नेल्स कहाँ है? हैंड कहाँ है? सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी ये 1.5 साल की है और मस्त शैतानी करती है पूरे घर में। देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसी आ रही है।
5-10 मिनट हो गए अभी हम लोग यहाँ तक ही पहुँचे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दिक्कत होता है इसे लगाने में, बट हाँ पेंट की तुलना में काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है। पापा ऊपर चढ़ गए। तो ये 345 शायद 45x300 का है इसकी साइज़ जो है सेंटीमीटर में, और एक वॉल पे इसने 8 से 10 लिखा था। सो मैंने 8 पीस ही मंगवाया है क्योंकि काफ़ी इसमें गैपिंग है बीच में, सो कवर हो जाएगा उतने में। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैंने ऑफ़र में लिया है और ये 179 का ही पड़ा है, हालांकि रेगुलर प्राइस इसका 239 है, ऑर्डर के तुरंत बाद 239 शो करने लगा था। सो अगर आपको लेना हो तो कभी भी पैनिक होकर ना ले, ऑफ़र का वेट करें और ऑफ़र के बाद ले तो आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा ये। गाइस देख सकते हैं एक रोल इसमें यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और मेरी दीवार कितनी ऊंची है कि ये 300 सेंटीमीटर वाला हटा भी नहीं, सो काफ़ी थोड़ा छोटा पड़ गया है ये। सो बीच में भी ऐसे में हम लोग एक रोल नीचे से काट के लगाएंगे, सो आराम से हो जाएगा। बट अब मन में थोड़ा डाउट है यार कि आर्ट अटेगा कि नहीं अटेगा, सो देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अभी आपकी चौथी रोलिंग चल रही है, और जैसे मैंने बताया था कि अभी नीचे का स्पेस खाली रह जा रहा है, पूरा ये दीवार को कवर नहीं कर पाया। हालांकि मैंने रेड कलर का मंगवाया था और 2 कलर डार्क रेड में है, बाकी गाजरी कलर में है, सो आप खुद भी डिफरेंस महसूस कर सकते हैं ये दोनों कलर में। सो ये 2 एकदम डार्क रेड में दे दिया और ये थोड़ा हल्का रेड में है, सो अभी इन दोनों में गैपिंग काफ़ी अंतर समझ में आ रहा है लाइट में, मे बी कैमरे में ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखिए डार्क रेड, और ये आपका पिंकिश रेड में है, सो दोनों में काफ़ी अंतर हो जा रहा है। हालांकि चाचा जी लगे हैं सेटिंग करने में, सो हम लोग इसी बबल्स की बात कर रहे थे जो इस रेड में आपको दिख रही होगी। सो इस बबल्स का आप सभी को ध्यान रखना होगा जब भी आप इसे स्टिक करेंगे दीवार के ऊपर। बाकी ओवरऑल फिनिशिंग अच्छी है, दूर से बस ये वाला डार्क कलर समझ में आ रहा, बाकी कोई नहीं है। सो इसके लिए कंप्लेन करूंगा मैं अभी और देखता हूँ क्या कुछ होता है उसके बाद। सो अभी तक इतना हो गया हमारा, और बस अब इतनी दीवार बच गई है, और अभी लगाते हुए लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, और मैं इसी कलर की बात आपसे बार बार कर रहा हूँ तो आप खुद भी डिफरेंस देख सकते हैं थोड़े से के कारण। अब ये थोड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन मे बी लाइट थोड़ा डिम रखेंगे सेट तो ये थोड़ा दब जाए, सो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। बल्कि फिनिशिंग देखिए आप कितनी अच्छी है इसकी। सो अभी चाचा जी चढ़ पड़े दूसरे साइड के लिए, अब ये फाइनल टच होगा एंड आई होप कि अभी से एक रोल में ये आधा कंप्लीट हो जाएगा। सो कुछ कहना चाहेंगे चाचा, कैसा क्वालिटी है क्या है इसकी? क्वालिटी जो है बहुत बेहतरीन है, और इसका जो एडेसिव है वो बहुत अच्छा है। एक बार रखने के बाद दोबारा ये उठाने में दिक्कत हो रही है, जिससे कि इसकी क्वालिटी से ये समझ में आता है कि हमारी लॉन्ग लाइफ तक ये चलेगी, क्योंकि एडेसिव पे ही डिपेंड होता है कि हमारी क्वालिटी कैसी है। सो आपने सुना इनके अकॉर्डिंग इसकी एडहेसिव काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि जो पीछे गोंद लगा हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का है, और एक बार चिपकने के बाद ये जल्दी उगचेगा नहीं। सो आपको शुरुआत में भी मैंने बताया था कि अगर आप चिपकाने के बाद उकाचेंगे तो दीवार का जो फ्रेम है वो उकस जाएगा, यानी कि जो आपने पुट्टी की होगी, सो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। बाकी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, आपको पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सो अब मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ जब ये फाइनल टच हो जाता है, सब कुछ हो जाता है देन। सो गाइस फाइनली अब मेरा ये सारा का सारा सेटअप हो गया है, और आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया बिकॉज अभी जो टाइम है वो लगभग 3 बज रहा है रात का। सो ये सारा का सारा मैंने सेटअप करवा लिया चाचा से,
बस ये बीच वाली जो डार्क रेड हो गई है थोड़ी अजीब लग रही है, तो मैं बीच में एक नया पीवीसी मंगवा के इसके ऊपर से चलवा दूंगा, सो वो थोड़ा कवर अप कर लेगा। सो गाइस फाइनली कंप्लीट सेटअप हो गया है और आप सभी को आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज पार्ट पार्ट में मैंने रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम की है, सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट आई एम वेरी श्योर दैट कि आपको समझ में आया होगा कि काफ़ी अच्छा होता है ये पीवीसी। और एक ही सजेशन दूंगा आप सभी को कि प्लीज़ डू नॉट टेक प्लेन कलर लाइक दिस, कोई भी एक सिंगल कलर मत लेना आप, बिकॉज इसमें थोड़ी इश्यूज आती हैं, मैचिंग आपको दिखेगा और इसके पीछे की दीवार भी नज़र आ सकती है। सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा मिक्स कलर लेना या डिज़ाइन में ले लेना, ईटे वाले ले लेना या फिर फूल वूल बने ले लेना, उससे थोड़ा सा मैचिंग अच्छा लगेगा और वो मोटे परत की भी होती है सो उसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन कलर। सो गाइस करता हूँ मैं वीडियो को ख़त्म यहाँ पे, बिकॉज 3 बज चुके हैं और अब मुझे काफ़ी नींद आ रही है। सो दोबारा अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद गाइज़।